और इस वक्त आपको लिए चलते हैं ढिंगशा अड्डा पर बराह रास्त, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा सरदार मुनव्वर डोगर की कयादत में सैकड़ों कारकुनान खुड़िया जलसा गाह की तरफ रवाना है। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन शफ सावल, उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट है। ये शफ सावल अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं अड्डा ढेंगशा पे, और अड्डा ढेंगशा में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है सरदार मुनव्वर डोगर साहब, जो मुकामी रहनुमा है यहाँ के, उनकी क्यादत में सरदार मोहसन डोगर जो है उनकी क्यादत में, और वाइस चेयरमैन जो है यूनियन काउंसिल राजवा के उनकी क्यादत में यहाँ पे सैकड़ों कारकुनान जो हैं आज खुडिया जाने के लिए पुरअज़म हैं। और सरदार आमदीन डोगर साहब जो है शेखुपुरिया से, उनकी क्यादत में भी लोग आए हैं और पुरअज़म हैं कि आज जलसा में जो चिल्ड्रन पार्क खुडिया हो रहा है वर्कर कन्वेंशन, उसमें जाने के लिए पुरअज़म है। इस हवाले से मैं इनसे बात करता हूँ कि आज वो क्या अज़म लेके सामने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, से पहले मैं आप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस मकसद के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, रैली लेकर जा रहे हैं, ये हक की फतेह है। जो पिछले चार साल में इन्होंने जुल्म व ज़्यादती की है मियां खानदान के ऊपर, जो झूठे केस बनाए हैं उनसे अब वो बरी हो गए हैं। जी चेयरमैन साहब, आप क्या कहेंगे? असी इंशाल्लाह जी नून लीग के नाल हाँ, तो नून लीग के वर्कर तो पी टी आई इंशाल्लाह खान साहब को पता चल जाएगा कि किन्ने वर्कर जड़े ने निकले ने, जड़ी महंगाई उन्होंने की सी उन्हें, मतलब साड़ी गवर्नमेंट ने किन्ना बेहतर हालात किए। जी साड़ी बड़ी ना मौसम साहब लिखा दे। जी मेरे साथ एक बहुत क्यूट सा चेहरा मौजूद है सियासत में, वो जब आए एक तो पहले ही खूबसूरत थे, सियासत में आके और खूबसूरत हो गए। शुक्रिया भाई सावल, मलिक मोहम्मद अहमद खान की कॉल पे निकले हैं इंशाल्लाह, और यही स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं कि ये बेसिकली जो एरिया है ये मुस्लिम लीग नून का है, और मलिक मोहम्मद अहमद खान हमारे लीडर हैं, उनकी कॉल पे आज निकले हैं और इंशाल्लाह अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। और अब मेरे साथ मौजूद हैं जो ढेंगशा की जो हर दिल अजीज शख्सियत सरदार मुनव्वर डोगर, जिनकी क्यादत में आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि एक जम्मे गफीर है, जिसकी वजह से रोड के दोनों अतराफ की जो है ट्रैफिक वो भी ब्लॉक हो चुकी है इनके कारकुनान की वजह से। और अब मैं सरदार मुनव्वर डोगर साहब से बात करूंगा कि वो आज के हवाले से क्या मैसेज देंगे आवाम को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब असी मलिक रशीद खां, बाबा जी मलिक रशीद खां और मलिक आमद खां की खातर, नून लीग की खातर, नवाज शरीफ की खातर, ये जड़ा सारा जलूस मलिक साहब के वास्ते जा रहा आमद खां के लिए, और एडा वड्डा कट्ठ इस कौंसल चो जा रहा है कि एक सोच तो वध जा रहा है, और मलिक खानदान के असी बशाना बशाना नाल हाँ, और मलकां दी एक मलिक मोहम्मद अली दे बेटे मलिक मोहम्मद अली उनका नाम है जी, एक मलिक अपना तमूर खां, नवी सियासत का आगाज़ हो रहा है, मलिक तमूर खां लोगों के नाल बशाना बशाना खड़े ने, कुछ मशरूफ इज्जत ने मलिक आमल खां दियाँ जड़िया के पार्टी के नाल उनका चलना जरूरी है, वो टाइम हल्के कट दे रहा है, उन्हें आपदे बेटे आपदे इलाके झलके च छड़ दिते ने, जेड़े हर दोस्त के कोल जा रहे हैं, हर दोस्त की खिदमत कर रहे हैं, हर दी गमी शादी ते जा रहे हैं, और बाबा जी रशीद खान जेड़ा है वो इंशाल्लाह इस हल्के का हीरो लीडर है, इंशाल्लाह उनका कोई भी मुकाबला। सरदार साहब आप ये कह रहे हैं कि आज जो है मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब अपने जानशी का ऐलान करेंगे कि उनके जो है कि हल्के में कौन इंटर होगा, उनका कौन सा बेटा सियासत में आएगा, आप ये कह रहे हैं? मलिक साहब असं ये नहीं कह रहे, मलिक साहब के बेटे ने जेड़े वो हर तरह उन्हें हल्के छड़ देने की मसरूफीयत है पार्टी वास्ते, उन्हें हल्के छड़ दिते ने कि मेरे भरावां दे नाल मेरे बजुर्गों सब दे काम करन जाके मिलन और फैदे खानिया से जावन शादियाँ से जावन, उन्हें इस वास्ते छड़े ने मेरी मसरूफीयत है, उन्हें आख्या वो सियासत का आगाज उन्होंने हो चुका है। अच्छा जी अपना साजिद साहब आप बताओ कि सरदार मुनव्वर डोगर की क्यादत में ढेंगशा की कितने आवाम निकले? सरदार मुनव्वर डोगर की क्यादत में ढेंगशा की तकरीबन 70% आवाम जो है वो सरदार मुनव्वर डोगर की क्यादत में निकल चुकी है, और इंशाल्लाह हम तोड़ खुड़िया तक जाएंगे सरदार मुनव्वर डोगर की क्यादत में, हम इन घड़ी चोरों को इंशाल्लाह बता देंगे कि यहाँ नवाज शरीफ का दौर, यहाँ नवाज शरीफ ही हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। जी सरदार साहब, जिहड़ा इमरान खान ने मुल्क का खाना खराब कर दिता है, ये 3.5 साल की हुकूमत रही है, इन्हें इन्नी कु महंगाई उदों कीती है कि इस वेले कंट्रोल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कंट्रोल तो बाला तर हो गई है,
उन्हें करप्शन की है, घड़ी चोर जो उन्हें करप्शन कर सकता नहीं करता है, उन्हें मुल्क दे विच महंगाई का एक जाल बिछा के गया साढ़े तीन साल दौर दे विच। अच्छा सरदार साहब, आप कह रहे हैं वो घड़ी चोर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी तो चलो घड़ी है तो पूरे मुल्क को लूट के खा। घड़ी चोर और करप्शन तुसी सोच नहीं सकते कि इमरान खान ने और इमरान खान की पार्टी ने की है। असी मलिक साहब के नाल हाँ, मलिक खानदान के नाल हाँ, इंशाल्लाह साडा लीडर मलिक अहमद खान हीरो है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाबा रशीद खान, मरियम नवाज, अमजा शहबाज, मलिक मोहम्मद अहमद खान, मलिक जुल्फकार, मलिक जुल्फकार, मलिक जुल्फकार, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन आपने देखा कि सरदार मुनव्वर डोगर साहब की क्यादत में कितना बड़ा जम्मे कश्मीर है जो आज पुरआज़म है कि जलसा गांव में जाने के लिए, और अब देखना ये होगा कि जलसा किस हद तक कामयाब होता है। जी।